मेरा प्रश्न ये है महाराष्ट्री की तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद जीव को अपने कर्म के अनुसार होता है तो फिर ऐसा कैसा है कि अगर हर जीव की अपनी अलग कर्म सत्ता है तो अनंत काल से हर काल में तीर्थंकरों की संख्या एक ही रहती है कि जो जो कि चौबीस है तो क्या ये जीव के स्वतंत्र कर्म अधिकार का अतिक्रमण नहीं है <laughs> बहुत अच्छा सवाल है आपका देखिए इस वस्तु व्यवस्था को आप समझते तो शायद ये सवाल नहीं आता तीर्थंकर जीवन का चरमोत्कृष्ट विकास है अगर कोई व्यक्ति जैसे आपकी भाषा में मैं आपको उत्तर देना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति किसी कॉन्टेस्ट में जाता है जिसमें एक ही व्यक्ति का सिलेक्शन होना है उसमें भाग लेने वाले बहुत सारे प्रतिभागी हों एक व्यक्ति अगर उसमें सफल हो रहा है तो वो खुद के बल पर सफल हो रहा है कि बाकियों का हक छीन रहा है अपने बल पर सफल हो रहा है समझ रहे बात को हाँ जी। लोक में तीर्थंकर हर कालचक्र में चौबीस होते हैं हाँ जी। और चौबीस वो ही होंगे जिनकी आत्मा में इतनी उत्कृष्टता हो तो जिसके जीवन का इतना उत्कर्ष हो गया वो सफल है जिनका उत्कर्ष नहीं हुआ वो विफल तो उसमें उन्होंने किसी का हक कहाँ छीना तुम्हारे लिए भी तो रास्ता खुला है मेहनत तो करो ये दुर्लभ है तीर्थंकरों के को देखने की जगह उनके अतीत के दस भवों की साधना को देखो जहां वह बिना रुके केवल चले हैं चले हैं चले हैं और चलते चले हैं समझ गए तीर्थंकर चलते नहीं है वे चले हैं इतना चले कि चलते चलते खुद राह बने समझ गए दस भव की साधना हर तीर्थंकर के अतीत को पलट कर देखो तो उन दस भवों की साधना उनकी आत्मा की पात्रता को इतना प्रखर बनाती है तुम भी बना सकते हो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमारी बपौती है यह जैन धर्म ही है जो इस बात का खुले तौर पर उद्घोष करता है कि हर आत्मा ही परमात्मा अप्पा सो परम अप्पा और साधारण प्राणी भी परमेश्वर बन सकता है समझ गया तो तीर्थंकर है तीर्थंकरत्व तो भले चौबीस को मिलता है एक बात और बोल रहा हूं मुक्ति तो अनंतों को मिल चुकी उसमें सबका नंबर आ सकता है सामान्य मुक्त आत्माओं में और तीर्थंकरों में यही अंतर है कि तीर्थंकर तीर्थ के प्रवर्तक हैं वे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं चतुर्विद संघ की स्थापना करते हैं बाकी नहीं करते और तीर्थ का मतलब जानते क्या होता है तीर्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ है घाट सेतु या पुल नदी के किनारे जो घाट होता है जिसके माध्यम से इस पार से उस पार जाया जाता है और घाट कब बनाया जाता है जब डैमेज हो जाए जब घाट दुरुस्त हो तो घाट बनाने की जरूरत नहीं तो जब जब घाट दुरुस्त डैमेज होता है एक महान आत्मा उत्पन्न होती है उस घाट को मजबूत कर देती तो पीढ़ियाँ उसको चलते रहती अभी हमारा घाट धर्म का ठीक बना हुआ है हमारी नैया इस पार से उस पार जा रही है जब ध्वस्त होगा कोई महान विभूति आएगी और वो उस घाट को बना देगी हम इस पार से उस पार चले जाएंगे और हम उनको तीर्थंकर के नाम से पूजेंगे समझ गए जब व्यवस्थित है तो घाट को बनाने की जरूरत क्या है जब तीर्थ का विच्छेद होता है तभी तो तीर्थंकर आते हैं समझ गए जब तीर्थ चल रहा है तीर्थंकर की जरूरत ही नहीं पर मुक्ति का मार्ग तो सबके लिए खुला है इसलिए अपने जीवन का चरम और परम विकास करने के लिए हमें सतत सचेष्ट रहना चाहिए नमस्ते